Assalamu alaikum friends. Our today's topic is distinctive aspect of Islam. Distinctive aspects of Islam. Basically, ये वो topics हैं जो किसी हद तक इस topic से match करता है जिसमें हम difference between deen and religions के ऊपर हमने पिछली video में बात की. इसमें हमने कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस के ऊपर बात की, कुछ जनरल डिफरेंसेस बताए. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीन इस्लाम एंड अदर रिलीजन्स. तो यही डिफरेंसेस को भी आप डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स कह सकते हैं. चूंकि हम एफपीएससी की सिलेबस आउटलाइन के मुताबिक चल रहे हैं, लिहाजा हम हर एक आउटलाइन और हर एक सब आउटलाइन के ऊपर तरतीब के साथ बात करते चले आ रहे हैं. तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, के दीन इस्लाम में ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस्लाम को दीगर मजाहिब से जुदा करते हैं, दीगर मजाहिब से इसको एक मुमताज मकाम देते हैं. तो जितने डिफरेंसेस हमने पिछले वीडियो में देखे उनको भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं. हम जिन एस्पेक्ट्स की बात करेंगे उनमें सबसे पहली बात ये है कि इस्लाम जो है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है. ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है इसमें यही बातें हम दोबारा रिपीट करेंगे. क्योंकि ये जो सारे आउटलाइन है टॉपिक नंबर वन की, ये आपस में काफ़ी हद तक ओवरलैपिंग है. इस्लाम जो है वो जिंदगी के हर एस्पेक्ट के बारे में रहनुमाई फराहम करता है. ये सिर्फ एक ऐसा मजहब नहीं है जो कि आपको ये बताए कि आपने इबादत क्या करनी है, रिचुअल्स क्या हैं, त्यौहार क्या हैं, प्राइवेट लाइफ में कैसे रहना है, बल्कि आपकी जो सोशल लाइफ है, आपकी जो इकोनॉमिक सिस्टम देता है, पॉलिटिकल सिस्टम देता है, आपको सोशल सिस्टम देता है, राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है, इनहेरिटेंस कैसे के लाज क्या होंगे, कानून किस तरह के होंगे, सजा और जजा का पूरा एक निज़ाम कायम करता है, और एक पूरा एक सोशल फैब्रिक जो है वो देता है कि किस तरह की सोसाइटी होगी, निज़ाम क्या होगा. दीन जो है, ये जो दीन इस्लाम है, ये हमें निज़ाम देता है. और उस निज़ाम की जितनी भी डायमेंशन हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं, चाहे सोशल हैं, चाहे कल्चरल हैं, चाहे इकोनॉमिक हैं, वो सारी डायमेंशन के बारे में रहनुमाई फराहम करता है. दूसरा इसका मुमताज पहलू ये है, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ये है कि ये डिवाइन रिलीजन है. बाकी भी जो मजाहब हैं जैसे क्रिश्चियनिटी है, वो भी डिवाइन उसकी तालीमात हैं, लेकिन ये वो डिवाइन रिलीजन है जिसकी तालीमात प्रोटेक्टेड है. मसलन बहुत सारे मजाहब ऐसे हैं जो कि डिवाइन नहीं है, लाइक बुद्ध मत है, हिंदुइज्म है, और भी बहुत सारे मजाहब जिनकी हमने बात की. तो इस्लाम जो है वो डिवाइन रिलीजन है. और सूरह अल हिजर 15वीं सूरह उसकी आयत नंबर 9 जो कहती है, श्योरली वी हैव सेंड डाउन कुरान एंड श्योरली वी आर इट्स गार्डियन. हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं. और ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह ताला कह रहा है. सूरह अल मैदा 5वीं सूरह है, इसकी आयत नंबर 3 वो कहती है, दिस डे आई हैव परफेक्टेड फॉर यू योर दीन एंड कंप्लीटेड माई फेवर अपॉन यू एंड हैव अप्रूव्ड फॉर यू इस्लाम एज दीन. इस दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन, तुम्हारा दीन पसंद किया, तुम पर अपनी नेमत पूरी की और तुम्हारे लिए इस्लाम को एज दीन पसंद किया है. इस दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन चुना है, तुम पर अपनी नेमत पूरी की है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को एज दीन पसंद किया है. द ट्रू दीन विद अल्लाह इज इस्लाम, सूरह अल इमरान 3री सूरह है और उसकी आयत नंबर 19 है, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम. फिर इस्लाम की खास बात यह है कि ये रैशनल थिंकिंग और नॉलेज को इनकरेज करता है, ये इलम की तरफ लेके आता है, ये इलम दोस्त एक ट्रेंड पैदा करता है. दुनिया के बाकी मजाहब जो हैं वो उनकी जंग रही है साइंस के साथ, इनोवेशन के साथ. इस्लाम ने रैशनल थिंकिंग को, इनोवेशन को, नॉलेज को
इनकरेज किया है. नंबर ऑफ इक्वेशन कुरान इनकरेजेस इट्स रीडर एंड फॉलोअर्स टू थिंक एंड पॉन्डर, के गौर फिक्र करें, गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें. और सूरह अल बकरा दूसरी सूरह इसकी आयत नंबर 170 है, आयत नंबर 170 वो कहती है, व्हेन इट सेड टू देम फॉलो व्हाट अल्लाह हैज रिवील्ड यू, दे रिप्लाई नो वी ओनली फॉलो व्हाट वी फाइंड व्हाट वी फाउंड आवर आवर फोर फादर्स प्रैक्टिसिंग. Would they still do so even if their forefathers had absolutely no understanding or guidance? अगर उनके अबाव अजदाद के पास नॉलेज नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो क्या फिर भी वो उनको फॉलो करेंगे? तो ये कुरान पाक की एक आयत का तर्जमा है, जिसके मुताबिक कुरान पाक इस बात को नापसंद करता है कि आप अपना माइंड इस्तेमाल ना करें और अपने अबाव अजदाद की प्रैक्टिस को लेके चलें, और जब उनके पास गाइडेंस या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. वही बात, कुरान पाक और इस्लाम जो है ये रैशनल थिंकिंग नॉलेज को इनकरेज करते हैं. और कुरान पाक की सूरह ताह 20वीं सूरह है, आयत नंबर 114, जिसका एक आयत का पार्ट है, वकुल रब जिदनी इल्मा एंड प्रे माई लॉर्ड इंक्रीज माई नॉलेज, और कह दो कि मेरा रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. सूरह ज़ुमर 39वीं सूरह है, आयत नंबर 9, उसमें ये है, कह दें क्या वो लोग जो जानते हैं उनके बराबर हो सकते हैं जो कि नहीं जानते. तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने उलमा को और इल्म रखने वाले लोगों को फजीलत दी है उन लोगों के ऊपर जो कि नहीं जानते. तो इस तरीके से इस्लाम ने अहले इल्म को फोकियत दी है. मॉडरेशन, व्हाट इज मॉडरेशन? मॉडरेशन रेफर्स टू ए जस्टली बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ एंड डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग थिंग्स इन मॉडरेशन. इसमें सूरह अल मायदा 5वीं सूरह है, आयत नंबर 66 है, जिसका तर्जमा ये है, एंड इफ ओनली दे अपहेल्ड द तौरा द गॉस्पेल एंड व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू देम फ्रॉम देयर लॉर्ड, दे वुड हैव कंज्यूमड प्रोविजन फ्रॉम अबव देम एंड फ्रॉम बीनीथ देयर फीट. Among them are a moderate community, but many of them evil is that which what they do. यहाँ पे अल्लाह ताला ने moderation को पसंद किया है. और फिर सूरह लुकमान आयत नंबर 19, 31वीं सूरह है, आयत नंबर 21 है, जिसका मतलब ये है, be moderate in your space and lower your voice, for the ugliest of all voices is certainly the braying of donkeys. अपनी रफ्तार में इतदाल पैदा करें. फिर टॉलरेंस, इस्लाम टॉलरेंस को पसंद करता है, बर्दाश्त को पसंद करता है. इट मीन्स एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली डिस्टिंक्ट इन देयर अपीयरेंस, सिचुएशन, स्पीच, बिहेवियर एंड वैल्यूज, एंड दे हैव द राइट टू लिव इन पीस एंड टू बी एज दे आर. कि इंसान का अगर अकीदा डिफरेंट है तो इंसान इंसान है, वो जहाँ अपनी मर्जी अपने अकायद के मुताबिक नहीं गुजार सकता है, और हर बंदे का अपना राइट है कि वो अपनी कल्चर को अपने अकीदों को फॉलो करे. और इस्लाम इस बात के ख़िलाफ़ है कि आप अपना अकीदा या अपना मज़हब किसी के ऊपर इम्पोज करें. ये टॉलरेंस है, यही रवादारी है. इट आल्सो मींस दैट वंस व्यूज आर नॉट टू बी इम्पोज्ड ऑन अदर्स, वी हैव टू टॉलरेट अदर्स अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वी कॉन्ट जस्ट इम्पोज आवर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अदर्स. सूरह अल बकरा दूसरी सूरह आयत नंबर 156, ला इकरा फिर दीन, लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन. ये एक आयत का पार्ट है कि दीन में कोई जबर नहीं है. फिर एक जगह पे सूरह अल काफिरून में, जो कि 109वीं सूरह है, उसकी आयत नंबर 6 है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है. तो ये भी एक तरह का इसमें ये मिलता है, हमें लेसन मिलता है कि जिसका जो मज़हब है उसी पे कायम रहे. हाँ, किसी के ऊपर हम इम्पोज नहीं कर सकते कंसेंट के साथ. अगर कोई मज़हब अपना इस्लाम कबूल करता है तो ही इज़ वेलकम, लेकिन किसी के ऊपर कोई जबर जो है वो नहीं है. इस्लाम फिर दीन ऑफ पीस है, इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस. इस्लाम कैन राइटली बी कॉल्ड एज रिलीजन ऑफ पीस एंड टॉलरेंस. दुनिया में जो दहशतगर्दी के वाक़ात हुए, ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं और इस्लाम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है. दहशतगर्दियों का कोई मज़हब नहीं, और कोई भी मज़हब जो है वो दहशतगर्दी को अप्रूव नहीं करता. एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जितने भी दहशतगर्दी के वाक़ात हुए, क्योंकि उनमें वो लोग शामिल थे
जो कि अपने आप को मुसलमान कहते थे। इस वजह से दुनिया के अक्सर जो रहने वाले लोगों में ये मिसकंसेप्शन पैदा हुई कि शायद ये मजहब की तालीमात हैं, तो ये कोई मजहब की तालीम नहीं थी, बल्कि ये उन मिलिटेंट्स का, टेररिस्ट का, उन गुमराह लोगों का जाती फेल था, जाती उनका एक बदअमली थी। तो किसी एक इंसान की गलती को उसके मजहब की तालीमात से मशरूत या मजहब की तालीम कहना, एक इंसान के किरदार को देख के उसके मजहब को जज करना जो है वो गलत है। सूरह अल एराफ 7वीं सूरह है, इसकी आयत नंबर 156, जिसकी ये आयत लिखी हुई है, और इसका मतलब ये बनता है कि माई मर्सी एम्ब्रेसेस ऑल थिंग्स, कि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो तमाम चीज़ों पे फैली हुई है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन, वी हैव सेंट यू ओ प्रॉफिट ओनली एज ए मर्सी फॉर द होल वर्ल्ड। रहमत लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत, ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए, तमाम मुस्लिम गैर मुस्लिमों तमाम के लिए रहमत बना के भेजा गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत बन के आए थे। इक्वेलिटी, ये एक इस्लाम का कंसेप्ट है, ये भी इस्लाम का एक मुमताज़ पहलू है कि इन इस्लाम देर इज़ नो कास्ट सिस्टम, देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स के दरमियान अगर कोई फ़र्क है तो तकवा की बुनियाद पे है या इल्म की बुनियाद पे है। हज़रत मोहम्मद पीस भी अपान हमने खुतबे हजरत अलविदा के मौके पर कहा था, ऑल मैनकाइंड इज़ फ्राम आदम एंड ईव, एन अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर नॉन अरब, नॉर ए नॉन अरब हैज़ एनी सुपीरियरिटी ओवर एन अरब, ऑल्सो वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर ए ब्लैक, नॉर ए ब्लैक हैज़ एनी सुपीरियरिटी ओवर ए वाइट, एक्सेप्ट बाई पिटी एंड गुड एक्शन। लर्न दैट एवरी मुस्लिम इज अ ब्रदर टू एवरी मुस्लिम एंड दैट द मुस्लिम कंस्टिट्यूट वन ब्रदरहुड। यहाँ से मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट निकलता है। इस कोटेशन को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को आप मुस्लिम उम्मा की फाउंडेशन के तौर पे भी कोट कर सकते हैं। नथिंग शैल बी लेजिटिमेट टू ए मुस्लिम हु विच बिलोंग्स टू ए फेलो मुस्लिम अनलेस इट वाज गिवन फ्रीली एंड विलिंगली। किसी इंसान, किसी मुसलमान का किसी दूसरे मुसलमान की चीज़ पे कोई हक नहीं जब तक वो उसे खुद फ्रीली, अपनी खुद मुख्तारी से, अपनी अपनी मर्जी से ना दे। ये अगर हम इस सेइंग ऑफ द होली प्रॉफिट को फॉलो कर लें, कि तो हमारे तमाम कोर्ट केसेस ख़त्म हो सकते हैं, हमारे लालच की बुनियाद पे जो दूसरे के खिलाफ अपने फितने बनाए हुए हैं, केसेस बने हुए हैं, किसी का हक मारते हैं, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान के ऊपर अमल कर लें, नथिंग शैल बी लेजिटिमेट टू ए मुस्लिम विच बिलोंग्स टू ए फेलो मुस्लिम, किसी मुसलमान का कोई हक नहीं किसी ऐसी चीज़ पे जो कि दूसरे मुसलमान की हो, जब तक वो उसे खुद अपनी मर्जी से ना दे। डोंट देयर फॉर डू इनजस्टिस टू योर सेल्फ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि दूसरों से नाइंसाफी ना करो, बल्कि ये तुम्हारे अपने साथ नाइंसाफी होगी अगर आप किसी का माल खाते हैं किसी की मर्जी के बगैर, तो दिस वुड बी इनजस्टिस टू योर सेल्फ। तो ये वो फरमान है जिसमें इक्वलिटी का पहलू भी है, जस्टिस का पहलू भी है, और अगर इन पे अमल किया जाए, इन गोल्डन प्रिंसिपल्स पे, तो हमारे यहाँ हमारे माशरे में जो झगड़े हैं, जो एक दूसरे का हकूक खाने वाली जो बात है, एक दूसरे का हकूक सलब करने वाली जो बातें हैं, सारी खत्म हो जाएंगी। दीन इस्लाम इज इम्यून टू अल्ट्रेशन एंड चेंज, कोई तब्दीली नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं, श्योरली वी हैव सेंट डाउन कुरान एंड श्योरली वी आर इट्स गार्डियन। इस्लाम की तालीमात जो हैं वो कम्प्रीहेंसिव हैं, इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए गए हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्प्लीट हैं, आने वाले तमाम वक्त के लिए हैं, और इस्लाम की तालीमात मुकम्मल हो गई थी कुरान पाक के नज़ूल के साथ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो सुन्नत और जो हदीस मौजूद हैं उनसे दीन इस्लाम की तकमील होती है। दीन इस्लाम के दो बेसिक पहलू जो हैं वो हैं कुरान पाक और सुन्ना। कुरान पाक डिवाइन गाइडेंस है, और सुन्ना जो है वो एक ऐसे इंसान का अमली ज़िंदगी का हमारे सामने नमूना है जिसके ऊपर हम अमल करके तो एक पूरी रहनुमाई मिलती है कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो इस तरीके से इस्लाम की तालीमात जो हैं वो कंप्लीट हैं, यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल से मुराद ये है
कि वो तमाम जहान तमाम कंट्रीज के लिए हैं, तमाम पूरी दुनिया के लिए हैं, और हर वक्त के लिए हैं और हर आने वाले दौर के लिए हैं। इस्लाम में क्लियर कट कंस्ट्रक्शंस हैं, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी सही है, कौन सा फेयर है, कौन सा अनफेयर है। हलाल और हराम का कंसेप्ट देता है इस्लाम, क्लियर कट कंसेप्ट देता है कि अगर आपने रोजी कमानी है तो हलाल ज़राए कौन से हैं, हराम ज़राए कौन से हैं। ये कंसेप्ट आपको इस्लाम देता है, और ये इस्लाम की जो है वो एक ख़ास बात है। ये वो दीन है जो आपको बताता है कि आपने जायज़ तरीके से अपना रोजी कमानी है और नाजायज़ जरिए से नहीं कमानी। तो इतनी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ इसी दीन में मिलती है। फिर ये दीन ये भी नहीं कहता कि आप दुनिया को छोड़ दें, दुनिया की नफी भी नहीं करता। जो ये दुनिया की जिंदगी है ये बहुत ब्लेसिंग है इस्लाम के मुताबिक। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयार करें। यू शुड प्रिपेयर फॉर द डे ऑफ जजमेंट ड्यूरिंग दिस लाइफ विच इज गिवन टू यू। इस्लाम इस दुनियावी जिंदगी की नफी नहीं करता है, और इसकी एक और कभी ये भी नहीं कहता कि आप दुनिया छोड़ दें, तर्क दुनिया छोड़ दें, दुनिया के मामला छोड़ दें, पैसा कमाना छोड़ दें, हलाल जरिए से पैसा कमाना छोड़ दें, सोसाइटी को छोड़ दें, माशरत को छोड़ दें। ये कुरान पाक की सूरह कसस 28वीं सूरह है, इसकी आयत नंबर 77 है, जिसका मफहूम ये है, रादर सीक द रिवार्ड ऑफ द हियर आफ्टर बाई मीन्स ऑफ व्हाट अल्लाह हैज ग्रांटेड यू विदाउट फॉरगेटिंग योर शेयर ऑफ दिस वर्ल्ड। के अगले जहान के रिवार्ड को पाओ उन जराए से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किए हैं इस दुनिया में, और इस दुनिया में जो तुम्हारा शेयर है उसको ना भूलो। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आयत है, इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए, एक एक रहनुमाई है कि इस दुनिया को हम इस दुनिया के अंदर जो वसाइल हैं इन्हीं को यूज़ करना है। और इसमें आपको मैं एक बात बता दूं कि पैसा कमाना या जायज़ तरीके से पैसा कमाना, और उसमें फिर ज़कात का सिस्टम है। तो अगर आप दुनिया कमाते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आप ज़कात के अहल बनते हैं, और जो एक साहिब इस्तात मुसलमान है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दीन के जो अहकामात हैं उन पर अमल कर सकता है, वो हज कर सकता है, वो ज़कात दे सकता है, और दूसरों की लाइफ को आसान बना सकता है। तो इस्लाम ने ये बताया है कि आखिरत की तैयारी करते हुए दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला ने हिस्सा रखा है तुम्हारे लिए उसको ना भूलें। फिर ये दीन इस्लाम ऐसा है जिसने इंसान की अजमत, इंसानियत की अजमत के ऊपर बात की है, इंसानियत की अजमत को इस्टेब्लिश किया है। वी हैव ऑनर्ड द चिल्ड्रन ऑफ आदम एंड कैरीड देम बाई लैंड एंड सी, वी हैव प्रोवाइडेड गुड सस्टेंस फॉर देम एंड फेवर्ड देम स्पेशली अबाउ मैनी ऑफ टूल वी हैव क्रिएटेड। तमाम मखलूकात पे फजीलत बख्शी है हमने इंसान को। और ये सूरह अल बकरा की आयत है, दूसरी सूरह है उसकी आयत नंबर 30 है। इससे पहले वाली जो ऊपर वाली कोटेशन है या आयत है, ये सूरह अल इसरा 17वीं सूरह है, उसकी 70वीं आयत है, 17वीं और उसकी 70 आयत नंबर 70 है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये सूरह अल बकरा दूसरी सूरह और इसकी आयत नंबर 30 है, जस्ट रिकॉल द टाइम व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स आई एम गोइंग टू अपॉइंट अ रेसिडेंट ऑन द अर्थ, ही सेड आर यू गोइंग टू अपॉइंट सच अ वन एज विल कॉज डिसऑर्डर एंड शेड ब्लड ऑन द अर्थ, विल ग्लोरीफाई यू विद प्रेजेंस एंड सैंक्टिफाई यू, ही अल्लाह सेड आई नो दैट विच यू डोंट नो। उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं दुनिया में अपना एक खलीफा अपॉइंट करने लगा हूँ, तो उन्हें कहा कि क्या अब एक ऐसे खलीफा को बना रहे हैं जो कि दुनिया में अफरा तफरी फैलाएगा, ब्लडशेड फैलाएगा, हम आपकी तस्वीर करते हैं, आपकी इबादत करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो ये वो मकाम है जो इंसानियत को अता किया, इंसान को अता किया गया है अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने जो मकाम इंसान को दिया है, फरिश्तों से भी ऊपर वाला मकाम जो है वो इंसान को दिया गया है। फरिश्तों ने ये कहा, तजस्सुस का इजहार किया कि आप ऐसी मखलूक को क्यों बनाना चाहते हैं जबकि तस्वीर के लिए, आपकी तारीफ व सना के लिए हम काफ़ी हैं। तो अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूँ आप
नहीं जानते। तो ये है इंसानियत का मकाम। फिर इस्लाम में कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस एंड ओमिशंस एंड अकाउंटेबल टू ऑलमाइटी। और फिर ऑन द डे ऑफ जजमेंट आफ्टर डेथ देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल, के जो अच्छे अमाल करेगा उसको जन्नत में जाना होगा और जो अच्छे अमाल नहीं करेगा वो जहन्नम में जाएगा, ता वक्त के अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको जन्नत में ना ले जाए। तो ये है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और फिर इस्लाम की एक और खूबसूरती ये है कि इस्लाम जो है ये वक्त के साथ साथ इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली कुरान पाक या सुन्ना जो है इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, और ये प्रिंसिपल्स आप लागू कर सकते हैं किसी भी ऐसे इशू के ऊपर जो कि मॉडर्न दौर में पेश आ रहा हो, और इसके लिए मुज्तहिदीन हैं वो इजमा इतिहाद या क्यास के ज़रिए इस्लामिक प्रिंसिपल्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, और यूँ इस्लाम जो है वो उसकी अप्लीकेशन तमाम मसलों के लिए और तमाम इशूज़ के लिए वैलिड है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंशाल्लाह इस्लामिक बिलीफ्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ एंड द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। तो होपफुली ये आज जो हमारा टॉपिक था डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, ये आपको तैयार हो गया होगा। हम जो भी आपकी रहनुमाई के लिए मटेरियल लेके आते हैं ये डिफरेंट किताबों से कंसल्ट करते हैं, इसमें हमारी अपनी राय जो है वो नहीं होती है। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।